काफ़ी देखने में थे। खेला था सौरांजलि, हाँ जी ओके ओके सौरांजलि कर लो तुझे अपने फोन पर वो जो लिंक भेजे से वही ला रहे हैं। हाँ वो नहीं ला दोबारा बनाया, दोबारा बनाया फिर वो चलेगा जिदा उन्होंने भेजा हुआ जब वो सर लिंक भेजा दोबारा है कि मतलब सर दोबारा भेज देगा तू आ जाओ हो रहा है नहीं तुम्हें बनाया उस पर क्लिक कर लो ना उतें ही खुल जाना इसे अपने खुल में नेट स्लो चलो बड़े दिखा अभी आपने लाइव अभी लाइव किया होगा सर फोन का लिंक पे दीजिए ये अपने फ्रेंड दिया होगा। हाँ जी जी रोकना क्या होना तो चलने में कोई गल नहीं तो इतने करा दें किसी आना कैसे है? Yes.
बस सुन रहा उसे मैंने बच्चे उसे प्यार होना इस तरह बस नहीं करना अभी भी बस नहीं करना पेड़ अंदर ज्यादा है Thank you.
आ गए चलो कैर चक लो इन्हें फिर रिकॉर्डिंग करनी ना प्लीज। प्लीज मैम प्लीज प्राचार्य उपेंद्र का सतीश दर्शन संगीत कला केंद्र की तरफ से आज चंडीगढ़ में ट्राई सिटी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी है। तो यहाँ पर पधारे हुए सभी अभिभावकों का, प्रिंसिपल्स का, फैकल्टी मेंबर्स का और उन प्यारे प्यारे बच्चों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बताना चाहूँगा कि ये प्रतियोगिताएँ अभी हमारी विगत 17 नवंबर से पूरे पंजाब में चंडीगढ़ में चल रही हैं और ये प्रतियोगिताएँ सारी मानवता बेस्ड हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, तो सतयुग के आगमन के लिए सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने एक ऐसी क्रांति आरंभ की है। उस क्रांति का नाम है मानवीय चेतना से जुड़ी हुई, कि हम सबके अंदर वो मानवीय गुण विकसित करें तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे देश का, हमारे देश को आगे लेके जाएगी। तो यदि हमने इस पीढ़ी को संवार लिया तो जो हमारा देश निश्चित रूप से अच्छी तरफ जाएगा। तो हमने इन बच्चों को मानवीय चेतना नामक एक पुस्तक दी है, उसमें पहला गीत लिखा है ठान लिया तो रुकना क्या। यदि बच्चे उसको बार बार पढ़ेंगे, जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से वो एक सफल इंसान बनेंगे, एक नेक मानव बनेंगे। तो आज यहाँ पर हमारे माननीय परमात्म श्री सज्जन जी सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मेंटर मैनेजिंग ट्रस्टी मैडम श्रीमती रश्मा गांधी जी और चेयरपर्सन श्रीमती अनुपमा तलवार जी पधारे हुए। इस कार्यक्रम में बच्चों को पारितोषक देकर सम्मानित किया जाएगा। इनके अतिरिक्त और भी अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मैं उन सभी अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारी सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की संपूर्ण भारत में 19 शाखाएं कार्यरत हैं और सभी शाखाएं प्रयाग संगीत समिति से संबद्ध हैं। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना प्रयाग से हम लोग कोर्स कराते हैं, जिसमें जैसे गायन से संबंधित है, वादन से है, नृत्य से है, यहाँ तक कि आर्ट की भी हम लोग फाइन आर्ट की भी इनको प्राइस जो अपना सर्टिफिकेशन कोर्स हमारा कराया जाता है। आज की प्रतियोगिता की बात की जाए तो यहाँ पर प्रतियोगिता में बच्चों को नेक मानव बनने के लिए उन्हें प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया और यकीन मानिए चंडीगढ़ में इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। बच्चों ने एक से एक बढ़कर यहाँ पर रंगोली बनाई है, पोस्टर मेकिंग में बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। गायन की बात की जाए तो शास्त्रीय गायन में बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन हमें यहाँ देखने को मिला है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ पर स्पेशल जो बच्चे हैं, जो ब्लाइंड स्कूल है, उनके बच्चों की प्रतिभा को देखकर मन गदगद हो जाता है कि वो बच्चे भी किसी से कम नहीं है। यदि उनका आप गायन सुने, उनका वादन सुने, उनका नृत्य सुने तो वो बच्चे हम लोगों से बेहतर कर रहे हैं। तो दिल में खुशी होती है कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट एक ऐसा कार्य कर रहा है कि जिसमें हर मानव को मानव समझा जा रहा है और मानव बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो सतयुग दर्शन कहाँ कहाँ पर ये सारे बच्चों के लिए प्रोग्राम वगैरह? अभी हमारे यहाँ चंडीगढ़ में ट्राई सिटी ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। इसके अतिरिक्त अभी हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, जलंधर, पठानकोट, सानेवाल, खन्ना, यहाँ तक कि हम जम्मू तक पहुँचे हैं इस बार और हर शहर में हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 250 से 300, एक जलंधर की बात की जाए तो जलंधर में 450 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी वहाँ पर सतयुग संगीत उत्सव के नाम से हमने कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। 6 दिसंबर को वहाँ पर सभी आमंत्रित हैं। Thank you.
Thank you.
पे आ जाओ प्लीज। हाँ पहले 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 जो हमारा प्लान था कि पहले प्रसाद देना है संगत को, उसके बाद शुरू करेंगे। ऐसे करना है, टाइम तो उतना ही हो जाना, जैसे आप कहेंगे वैसे पहले शुरू कर ले। अगर आपकी तैयारी है, हमारी तैयारी है, तो फिर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपके पे दे देते हैं, तो टाइम पहले लगेगा। तो दो पाँच मिनट बैठ लेते हैं, हम संगत को सेट करा देते हैं, संगत को बैठा सेट करा। जी सर, पाँच मिनट बैठे, अभी आ रहे हैं, मैं मिलवा दूंगा। अब आपके एरिया में आ रहे पूछ कर देता हूँ। अपा उधर जाऊंगा, जल्दी पीछे चलेंगे, जल्दी से ऑडिटोरियम में देखते नीचे उतर जाएंगे। सर अभी जब निकले हॉल जाइए। हाँ हाँ, और ऑडी में सीधा जो ऑर्डर मुझे हुआ है मैं माफ कर दिया। अनीता सर जी से पूछते हैं एक बार, क्योंकि वही मांग रही थी। इतना ला लो सेंटर में भैया, बैठे मैंने मैं सारा होश हो भी ना इतने बैठ रहे इतने भैया। हाँ चलो सर, मेरे में जीके के लाइव चल रहा है, मैंने सेंटर दे दो फिर उसी चेयर पे शिफ्ट कर लो। जी सर, जो मजी कर नहीं बता मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके आप लोग सेटल हो जाइए हॉल में, हम कुछ ही देर में आज का कार्यक्रम आरंभ करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी स्टेज पर हैं, अगर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग कर ली हो चेक, तो प्लीज बैक स्टेज चले जाएं। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो बैक स्टेज प्लीज एंड वेकेट द स्टेज। एक ऑडियंस से विनम्र निवेदन कि जब आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हॉल में प्रवेश करते हैं, तो कृपया करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। कहने का अभिप्राय है कि कृपया तालियां बजाइए, तालियों से उनका स्वागत कीजिए।
पे हैं तो प्लीज आप अपना नेम बता दीजिए, कौन कौन से विनर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं आज सोलो कैटेगरी के, वेदर इट्स रंगोली और इंस्ट्रूमेंट की और म्यूजिक और डांस, जो भी क्लासिकल सोलो के विनर्स हैं प्लीज अपना नेम दे दीजिए और प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, बड़ी जरूरी सूचना कि कर्टन ड्रॉ नहीं होगा। स्टेज पे कर्टन एक बार जो खुला हुआ है वो वैसा ही रहेगा। प्लीज अपनी नेक्स्ट टीम को, हम आपको बता देंगे कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है, वो अपनी टीम को बैक स्टेज बिल्कुल तैयार रखिए। कर्टन विल नॉट बी ड्रॉन, वंस इट इज रेज्ड इट विल नॉट बी ड्रॉन। थैंक यू। श्रोतागण से मेरा पुनः आग्रह कि आज के जैसे ही हमारे मेहमान इस सभागार में प्रवेश करते हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर करदम ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। Thank you.
बेटी अर्पण बन रहा है, बेटी अर्पण बन रहा साढ़े चक्कर से कैमरे इतने इतनी लाल चेयर लगी हुई है ना, यही एंगल रखो मैं तो जैसे ही वो प्रवेश करते हैं आप कृपया अपने स्थान पर खड़ी होकर कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। Thank you.
सभी से हाजिर का इंतजार। आज आए इस आयोजन में मेहमान जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनका करते हैं हम स्नेह भाव से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, फूलों से स्वागत हमारी परंपरा है। मुस्कुराते फूल चुप रहते लेकिन अपने आप में बहुत कुछ कह जाते। मैं विनम्र निवेदन करूंगी हमारे वयोवृद्ध सदस्य श्री सिक्का जी से और उनके साथ श्री मदान जी कि वो श्री सजन जी को जो हमारे मेंटर हैं, पिता तुल्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करें। श्री सिक्का जी और श्री मदान जी, जैसे फूलों के साथ बहार है वैसे ही तहे दिल से आपका सत्कार। लक्ष्मा गांधी जी ने आकर हमें सम्मानित किया है मैनेजिंग ट्रस्टी सचिव वैष्णव संगीत पर। थैंक यू श्री सिक्का जी और श्री मदान जी। रश्मा गांधी जी, उनका भी फूलों से स्वागत। और उसके लिए मैं निवेदन करूंगी अनीता कपूर जी और श्री भूषण मलिक जी से, तो कृपया रश्मा गांधी करण जी का फूलों से स्वागत करें। आपके आने से तो हमारे आयोजन को चार चांद लगते हैं। आप यहीं आते हैं। अनुपमा तलवार जी, जिनकी अभी खूबसूरत आवाज हमारे मन को रसमय बो रही थी, जो चेयरपर्सन है सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की, और स्वागत उनका फूलों से करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करूंगी श्रीमती मोनिका सेठी जी और वंदना जी से। कृपया फूलों के गुलदस्ते से अनुपमा तलवार जी का स्वागत करें। आप आई तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आई तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल के कांटों से भी आई खुशबू। धन्यवाद आप सभी गणमान्य अतिथियों का। हमारे बीच सतयुग दर्शन संगीत विद्यालय के सतयुग दर्शन विद्यालय के श्री मोहित नारंग जी भी पधारे हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगी विमल राय जी से और श्री नांद्रा जी से कि वो कृपया पौधे को प्रस्तुत कर, पौधा को जीवन का प्रतीक है उसे प्रस्तुत कर का स्वागत करें, उनका हार्दिक अभिनंदन करें। संभवतः जो गणिमान अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं उनका औपचारिक अभिनंदन हम कर चुके हैं। अगर कुछ भूल हुई क्षमा कीजिएगा। मैं विनम्र निवेदन करूंगी सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से कि वो कृपया हमारे मूल मंत्र का उच्चारण करने के लिए, साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहां, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस मूल मंत्र का उच्चारण करें। क्योंकि तो किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने की सबसे पूर्व प्रक्रिया उस महापरमेश्वर का आह्वान है, साडा है सज्जन राम।
सत्य को जानो, परम साजन को जानो और उसी का अनुसरण करते हुए उसी में एक साथ हो जाए। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का प्रतीक और इसके लिए हमारे गणमान्य अतिथि महोदय पहले ही दीपक के पास पहुंच चुके हैं। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हे दीपक, हमारे अज्ञानता रूपी शत्रु का विनाश हो। दीपक जो स्वयं जलकर अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है और शायद यही संदेश देता कि हमारा जीवन भी ऐसा ही बन सके कि हम मानवता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे और ऐसा करते हुए समाज को आलोकित करते हुए। दीपक ज्योति परब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तु। सुसंध्या एवं हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का इस विशेष सांस्कृतिक आयोजन में विशेष क्योंकि इसमें हमारी विरासत और सांस्कृतिक झलकियों के साथ साथ मानवता के पाठ का दिग्दर्शन भी कराया जा रहा है। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र चंडीगढ़ इकाई द्वारा प्रस्तुत सुरांजलि 2023 में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज हम माँ सरस्वती की वंदना से कर रहे हैं जो अपने एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक धारण किए हैं और इस बात की प्रतीक कि संगीत के समान हार्मनी और बैलेंस होने से ही ज्ञान कल्याणकारी होता है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां तो बजाइए क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुझे आपसे ये बात साझा करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच श्री सतपाल जैन जी पधार चुके हैं जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बहुत अनुग्रहित हैं कि आपने अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कर्तव्य होने से इनका पुनः अभिनंदन। तो आइए शुभारंभ करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्ताम न तव पद कमले अई कुंठा विषहारिणी नाम ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी तव चरणौ प्रणमामः शरणं ते गच्छामः। तो लीजिए प्रस्तुत है सरस्वती वंदना।
नाग ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी तव चरणं प्रणमामः शरणं ते गच्छामः। ये प्रस्तुति थी सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र चंडीगढ़ इकाई की और इसका स्वरांकन और निर्देशन किया था वंदना जी ने। कृपया जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे आज के इस आयोजन को बहुत सी महानुभूतियों ने अपनी उपस्थिति से सजाया है। अभी अभी हमारे बीच पधारी हैं रंजीता मेहता जी, जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की हरियाणा इकाई की जो ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं निवेदन करेंगी कि कृपया पौधा प्रस्तुत कर उनका स्वागत करें। हमारे बीच सतलुज ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ऋग्वेद सराय जी भी मौजूद हैं। मैं पुनः दीपेंद्र जी, जो हमारे छोटे भाई के समान हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो कृपया उनका भी स्वागत करें, औपचारिक अभिनंदन। ऑडी की लाइट्स प्लीज ऑन कर दीजिए, ऑडिटोरियम की लाइट्स प्लीज ऑन कर दीजिए। दीपेंद्र सर हमारे मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, कृपया तालियों में कंजूसी मत कीजिए। हमारे बीच धन्यवाद, आपका पुनः हार्दिक स्वागत। वो आए हमारी महफिल में इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के प्रिंसिपल श्री जे एस जायरा जी, जिनका अपूर्व सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है, वो हमारे बीच पधारे हैं। आपके आने से हमारे इस गुलिस्तान की कई तरह से होती है सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। दीपेंद्र जी उनका अभिनंदन करते हुए, भारत विकास परिषद मोहाली के श्री अशोक कुमार जी, कसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, स्वागत की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। अशोक पवार जी आपका अपना हार्दिक अभिनंदन। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब के अशोक पवार जी का अभिनंदन करते हुए, भारत विकास परिषद आपका पुनः स्वागत सर। हमारे बीच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब के जीएम जसविंदर सिंह चाहल जी भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जसविंदर सिंह चाहल जी का अभिनंदन करते हुए, थैंक यू।
आगे बढ़ाते हुए, ईश्वर ने खूबसूरत विविधताओं से अपनी इस संसार रूपी बढ़िया का सृजन किया है। हमारी अगली प्रस्तुति उसी बगिया के कुछ चुने हुए फूलों द्वारा समूह गान बाय द स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, इन्हें दिव्य चक्षु कहा जाता है, घोड़े की अपनी नैनों से इस बाकी दुनिया को नहीं देखते, उन्होंने अपने अनगिनत खूबसूरत सपनों को सजाया हुआ है। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सुकुमारी, रहने दो हमको कंचन, रहने दो हमको निर्मल। तो लीजिए प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड विद्यार्थियों द्वारा, भगवान की बगिया के फूल हैं हम सुकुमारी। Thank you.
जब हमने लगभग सब जगह झूठ और चोरी का आभास सा होता है, इसका दर्शन होता है, इसी अवस्था में ये संदेश देते, झूठ मत सिखाओ, चोरी मत सिखाओ, लालच बुरी बला है, इससे हमें बचाओ। ये खूबसूरत प्रस्तुति थी हमारे विद्यार्थियों द्वारा, जैसे मैंने बताया चक्षु विहीन लेकिन दिव्य नेत्रों से सज्जे। हमारे बीच आज बहुत सी महान हस्तियों ने पधार कर हमारा सम्मान बढ़ाया है, और इसी में श्रवण कुमार आनंद जी जो वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हैं LIC चंडीगढ़ के, वो हमारे बीच पधारे हैं। शशिकांत जी प्रशासनिक अधिकारी, वो भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं जरूरी दीपेंद्र सर से पुनः के वो उनका स्वागत करें, उन्हें एक पौधा पेश कर, पौधा जो निरंतर उत्थान का, निरंतर जीवन का, नवोल्लास का प्रतीक है। हमारे बीच डॉक्टर गुरजीत कौर भी पधार चुकी हैं, जो पेट्रन है डाउन सिंड्रोम सोसाइटी। ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, कार्यक्रम की जान होते हैं मेहमान, पधारी आप यहाँ पर, आपको करते हैं सादर प्रणाम। उनका अभिनंदन करते हुए डॉक्टर गुरजीत कौर जी का, जो मैंने बताया जो पेट्रन है डाउन सिंड्रोम सोसाइटी की। थैंक यू दीपेंद्र सर। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, इसका नाम सभी चंडीगढ़ वासियों के दिल में बड़ी धड़कन पैदा करता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत मकान बनाकर चंडीगढ़ वासियों को देते हैं। उसके SDO श्री विकास गोयल जी भी उपस्थित हैं। मैं जितेंद्र सर से पुनः आग्रह करूंगी, प्रार्थना करूंगी, कृपया अनुमति उनका भी स्वागत करें। आपका हार्दिक अभिनंदन सर। थैंक यू। एक बात ऑडियंस के लिए कि अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो दिल खोल कर ताली बजाइए। पिछले लगभग 8 वर्ष से प्रत्युत दर्शन संगीत कला केंद्र चंडीगढ़ इकाई द्वारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग सभी ललित कलाएं हैं, संगीत, नृत्य, फाइन आर्ट्स, और अभी पीछे भी उसका आयोजन किया गया। इसमें जितनी भी हमारी टीम ने प्रथम स्थान ग्रहण किया, हम उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, बहुत तैयारी की होती है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि केवल कंपटीशन तक ही नहीं, एक जनरल ऑडियंस को भी उन्हें देखने का अवसर प्राप्त हो। तो इसी श्रृंखला में हमारी आज की प्रस्तुति शास्त्रीय नृत्य की है। कामल कॉन्वेंट स्कूल की द्रव्या ने इस क्लासिकल सोलो प्रस्तुति में प्रथम स्थान ग्रहण किया था, और ये प्रस्तुत कर रही है कथक। ये जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तर भारतीय की लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य विधा है, और इसके विषय में ये कहा जाता है कि कथा कहे सो कथक कहला। इसका अर्थ कथा को नृत्य रूप में प्रस्तुत करना है, उसको बयां करना है, और
उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो आइए अगली प्रस्तुति कथक नृत्य के रूप में देखें। अध्यापक के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए
अधिक गौरव की बात कोई नहीं हो सकती। एक विद्यार्थी जो उनके यहाँ बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह आया था, आज संगीत के क्षेत्र में वो अपना नाम बहुत रोशन कर रहा है। मेरा अभिप्राय हमारे विद्यार्थी सागर शर्मा से है, जो आज लगभग बॉलीवुड सिंगिंग तक पहुंचने के करीब ही है। आपका आशीर्वाद उन्हें मिले। मैं प्रार्थना करूंगी, विनम्र निवेदन करूंगी कि आज हमने उस विद्यार्थी को यहाँ आपसे आपके कर कमलों से सुशोभित करने के लिए आमंत्रित किया है। आपका आशीर्वाद उन्हें मिले, वो नई ऊंचाइयों को छुए। सागर शर्मा जो संगीत के क्षेत्र में अपने साथ साथ हमारी संस्था का नाम भी बहुत रोशन करता है, कर रहा है और करता रहेगा, उसका हार्दिक अभिनंदन। अनु सज्जन जी उसे आशीर्वाद देते हुए, तुम्हें इतना खूबसूरत आशीर्वाद मिला है बेटा, संगीत में आगे बढ़ते रहो, यही हमारी शुभकामना, यही हमारा शुभाशीष। सतयुग दर्शन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से छात्रों में निरंतर उच्च से उच्चतर संस्कारों को बढ़ावा देना है, साथ ही समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए विशेष विद्यार्थियों को निरंतर प्रोत्साहित करना भी है। इसी श्रृंखला में हमारी अगली प्रस्तुति वाटिका स्कूल के विद्यार्थी, जिनके विषय में ये बताना जरूरी है कि ईश्वर ने इन्हें विशेष गुणों से नवाजा है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, ये विद्यार्थी आपसे क्षमा चाहूंगी, मुझसे भूल हुई है, उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ। ये विद्यार्थी सतलुज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने समूह गान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ग्रहण किया था। और विद्यार्थियों द्वारा समूह गान
हंसते चलो रे, हंसते रहो औरों को हंसाते चलो रे। ये हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार हमें ये संदेश देते। आशा है आपको ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी, तो कृपया तालियों से उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड जरूरी होता है, वैसे ही किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए जो ऑडियंस है उनके द्वारा तालियों का योगदान बहुत जरूरी होता है। मैं जैसा मैं पहले आप लोगों से बात कर चुकी थी कि हमारा मुख्य उद्देश्य मानवता के लिए प्रेरित करना है, और ये प्रस्तुति हमारी इस मानवता के लिए कार्यरत रहते हुए हम विशेष बच्चों के साथ ही काम करते हैं, उन्हें भी निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं, उन्हें मंच प्रदान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जितना भी हो सके अपना योगदान हमारे इस समायोजन की सफलता में दे सकें, और हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना ये खूबसूरत पेशकारी से हमें नवाजा है। ये है वाटिका स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा, जिन्हें ईश्वर ने भले ही सुनने और बोलने की क्षमता न दी हो आपकी और हमारी तरफ, लेकिन समझने की क्षमता शायद हमसे कहीं ज्यादा हो, तो तालियों से उनका उत्साह वर्धन करते हैं। वाटिका स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत।
धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे वाटिका पब्लिक स्कूल से जो हमारे बीच पधारे गए। मैं विनम्र निवेदन करूंगी मैनेजिंग ट्रस्टी रश्मा सज्जन जी से कि वो कृपया मंच पर आए हमारे इन विद्यार्थियों का प्रसाद लेने के लिए। साथ ही प्रार्थना करूंगी श्री सतपाल जैन जी से कि वो कृपया मंच पर पधारे। अनुपमा सज्जन जी मंच पर आकर हमें गौरवान्वित करें। अनिता सज्जन जी और जितेंद्र सर हमारे गणमान्य अतिथियों का मंच पर प्रवेश करवाते हुए बहुत भाग्यशाली हैं हम सब, विशेषकर ये बच्चे जिन्हें स्वयं रश्मा सज्जन जी के हाथों में स्वयं पुरस्कार दिया जा रहा है। कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में हर एक दिल पर छा जाने के लिए माहिर हैं जो खुशियां जुटाने में आप आए हैं हमारी शोभा बढ़ाने में। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे पर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं पर्सनली उनका उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए बहुत कुछ मनी मन इशारों में उनके साथ साझा करते हुए उनके टीचर्स को भी सम्मानित करते हुए उनका धन्यवाद स्वरूप सम्मान तो बहुत छोटी चीज है, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इस खूबसूरत पल को कैमरे की कैद में लेते हुए हमारे फोटोग्राफर्स बहुत महत्वपूर्ण क्षण और आपकी निरंतर करतल ध्वनि तालियां। अनु सज्जन जी और रश्मा सज्जन जी स्वयं पिक्चर परफेक्ट पोज के लिए उन बच्चों को सर्व करते हुए उत्साहित करते हुए उन्हें ध्यान देते हुए बहुत महत्वपूर्ण बहुत खुशनुमा लक्षण उन बच्चों की जिंदगी में। ये इनाम ही नहीं, ये पारितोषिक ही नहीं, उनका उत्साहवर्धन और उनके लिए एक शुभाशीष है हम सबकी तरफ से। ईश्वर करें निरंतर आज ये एक लगन से संगीत के प्रति समर्पित है, ऐसे ही सारा जीवन में संगीत के प्रति समर्पित रहकर समाज में अपना अपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
समाज में योगदान के लिए संगीत जैसी कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। संगीत जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है, कोमल, सुकोमल, गंभीर, एक लयात्मकता जो प्रकृति में विद्यमान लयात्मकता का दिग्दर्शन कराती और ये संदेश देती कि जैसा नैरंतर जैसी लयात्मकता प्रकृति में विद्यमान है, मानव जीवन में भी अगर वैसी ही लयात्मकता, वैसा ही बैलेंस, वैसे ही हार्मनी रहे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और व्यक्ति विशेष का जीवन सार्थक होने से समाज अपने आप ही ऊंचाइयों की परिकाष्ठा को छुएगा, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है। महत्वपूर्ण क्षण कहने में क्या छोटा हुआ, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर मुझे प्रोत्साहित कर रही है, कृपया निरंतर बनाए रखिए। ऐसे पल बच्चों के जीवन में और हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं, पर यद्यपि थोड़े से पल, थोड़े से क्षण हम कार्यक्रम के बीच में से चुराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब ऐसा समझते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में, अपने यौवन में बहुत से प्राइजेस जीते होंगे और ऐसे ही अपने आप को कैमरे के सामने कैद होने के लिए पोज किया होगा, तो अपना वो टाइम याद कीजिए और उसमें जिए और उसमें खुशी होगी। हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक स्वयं स्टेज पर बैठाकर हमें बच्चों को शुभाशीष देना चाहते हैं। उनके मन की भावना आप सब भी समझ सकते हैं, हम बहुत अनुग्रही हैं जो स्वयं यहाँ बता रहे हैं। आपका शुभाशीष, आपका आशीर्वाद इन बच्चों को मिल रहा है, सचमुच अहोभाग्य इन बच्चों के, इन बच्चों के बिहाफ पर हम तहे दिल से आपका अभिनंदन और आपका शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द है। गणमान्य अतिथि, इन बच्चों के साथ पिक्चर पोज देते हुए कहा बहुत महत्वपूर्ण क्षण, बहुत खूबसूरत पल हमारे इस समायोजन के और हमारे समायोजन की सार्थकता भी इसमें कि हम समाज के मेरा जायरा सर से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर तशरीफ लाए। जायरा सर, जैसा मैंने शुरू में कहा था, उनका अपूर्व योगदान, उनका अपूर्व सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ के प्रिंसिपल महोदय हैं, वो भी इस खूबसूरत, इस अलौकिक ग्रुप के साथ पिक्चर पोज देने के लिए पधारे हैं, आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you.
हमारे सम्माननीय अतिथियों के साथ बच्चों की खूबसूरत फोटोग्राफ जो आजीवन उनके लिए एक स्मृति चिन्ह का काम करेगी, वो याद करेंगे इन क्षणों को। धन्यवाद अनुसजन जी, धन्यवाद श्री जायरा जी, श्रीमती यशवंत प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारे आयोजन में पधार कर हमें अनुग्रहित किया है, हमारा सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए हम सचमुच आपके हृदय से आभारी हैं। अनीता सजन जी का प्राइज रह गया है, अनीता मैम का प्राइज रह गया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आकर अपना पारितोषिक ग्रहण करें। एक धन्यवाद स्वरूप स्मृति चिन्ह डॉक्टर गुरजीत कौर हमारे बीच बधाई में है। सज्जन जी उन्हें सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह देते हुए हम बहुत आभारी हैं कि आपने अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। धन्यवाद सज्जन जी, बच्चों के प्रति स्नेह, उन बच्चों के लिए विशेष भावनाएं सज्जन जी ने मंच पर आकर प्रदर्शित की, सादर प्रणाम और सादर धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है हमारे चंडीगढ़ वासियों के लिए, जिनका नाम कुछ नया नहीं है, श्री सतपाल जैन जी से कि वो कुछ शब्द कहकर हमारे साथ कुछ बातें साझा करें। श्री सतपाल जैन जी, सत्यम दर्शन संगीत कला केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी धर्म प्रेमी, संगीत प्रेमी बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं बहुत आभारी हूँ आज के इस कार्यक्रम में यहाँ के आयोजकों ने मुझे भी आने का मौका दिया। संगीत का, अध्यात्म का, अध्यात्मवाद का जीवन में बहुत महत्व है। आदमी कितना भी दुखी हो, परेशान हो, समस्याओं से घिरा हो, जब वो संगीत के आंगन में आता है तो आदमी का सोचने का तरीका बदल जाता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और वो विशेष तौर पर जब छोटे छोटे बच्चे इतनी सुंदर प्रस्तुति करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, फेस पर इतनी अच्छी इंप्रेशन आते हैं, और मैं तो पब्लिक लाइफ में हूँ, 50 वर्षों से मंच पर जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर अच्छे अच्छे लोगों को भी मंच पर आकर वो शब्द बोलने पड़े, गाना गाना पड़े, कोई भजन गाना पड़े, तो बहुत सारे लोगों की भूख निकल जाती है। ये बहुत ही हिम्मत की बात है बच्चों की, और विशेष तौर पर मुझे बहुत ये अच्छा लगा कि जो बच्चों को भगवान में देखने की जो फिजिकल, शारीरिक
दृष्टि है वो नहीं दी, लेकिन वो मन की आत्मा से सारी दुनिया को देखते हैं। मैं उनके वकील हूँ, 40-45 साल से मुलाकात कर रहा हूँ। सच बताता हूँ, आज तक किसी भी उस व्यक्ति पर मैंने अपराध लगते नहीं देखा जिसको भगवान ने देखने के लिए दृष्टि नहीं दी। वो व्यक्ति कभी किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करता, कभी किसी के साथ गड़बड़ नहीं करता, ईमानदारी से अपना जीवन वो व्यक्ति व्यतीत करता है। किसी ने सच कहा कि दृष्टिहीन वो नहीं है जिसको देखने के लिए भगवान ने दृष्टि नहीं दी, दृष्टिहीन तो वो है जो देख सकता है लेकिन फिर भी नहीं देख सकता, फिर भी नहीं देखना चाहता, वो वास्तव में दृष्टिहीन। किसी ने कहा कि द्रौपदी का जब तीरहरण हुआ तो धृतराष्ट्र को नहीं देख पाते थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो लोग देख सकते थे वो भी खामोश रहे, केवल एक छोटा विदुर था जो अपनी बात जिसने खुलकर कही कि ये पाप का काम है आप लोग। इसलिए जीवन में जिस भी दौर से हम गुजरे अपनी जो आध्यात्मिक हमारी शक्ति है उसका इस्तेमाल करें, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम होना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके सारगर्भित संदेश के लिए। संभवतः अपनी बहुत सी व्यस्तताओं के बीच से सतपाल जैन जी ने अपना समय निकाला, हमें अनुग्रहित किया, हम उनके बहुत आभारी हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और आप हमारे आने वाले समय में इस प्रकार हमारे कार्यक्रम की शोभा बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। शायद उन्हें किसी व्यस्तता की वजह से जाना पड़ रहा है, आपको हम पुनः धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के इस समायोजन को अपनी उपस्थिति से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री मोहित बत्ता जी ने, मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं उन्होंने भी सजाया है। श्री जगदीश शर्मा जी जो सीनियर एडवोकेट हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने भी हमें शुभायमान किया है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज की अगली प्रस्तुति इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में सतलुज पब्लिक स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान ग्रहण किया था, और नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है उसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा है। मैं तो अपनी सहेली बनी इन दोनों पर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं सतलुज पब्लिक स्कूल।
सुनो जी, मैं तो अपने साजन की सहेली खरी, जेदा रूप इलाही सारे कहंदे खुदाई, मैं तो उस साजन की सहेली भई। कितना खूबसूरत अनुपमा शर्मा जी, कृपया जोरदार तालियों से। रिस्पेक्टेड सज्जन जी, मेंटर सत्य दर्शन ट्रस्ट, आवर मैनेजिंग ट्रस्टी मैम श्रीमती रेशमा गांधी जी, प्रिंसिपल सत्य दर्शन संगीत कला केंद्र श्री दीपेंद्र कांत जी, चेयरमैन सत्य दर्शन विद्यालय श्री मोहित नारायण जी, ऑनरेबल डिग्रीज, टीचर्स, बडिंग आर्टिस्ट एंड ऑल द म्यूजिक लवर्स, जय सीताराम जी। आज इस प्रोग्राम में आकर तहे दिल से पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी सभी का, सब वॉलंटियर्स का, सत्य दर्शन संगीत कला केंद्र चंडीगढ़ के मेंबर्स का, वॉलंटियर्स का, पूरे टीचर्स का, सत्य दर्शन संगीत कला केंद्र फैमिली का। स्वरांजलि, 8 समुद्र संगीत, आप में से आज एक तरफा बात नहीं होगी, आज बात साझा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की भी जरूरत है, तो क्या आप सब तैयार हैं बात करने के लिए? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मुझे समझ आ जाएगी। ठीक, आप में से कितने सज्जन, हम ऐसे ही संबोधित करते, सज्जन यानी भला आदमी, आप में से कितने सज्जन संगीत प्रेमी है? मैं पूछ रही हूं संगीत प्रेमी, चाहे गाना आता है नहीं आता, नाचना आता है नहीं आता, बट स्टिल म्यूजिक लवर्स ऑल। और क्या आप इस संगीत से परिचित हैं, द ट्रू पायस फॉर्म ऑफ म्यूजिक? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कौन बता सकता है? म्यूजिक में कितने स्वर होते हैं? 7। कोई मिलान है? जब आप 7 रंगों को मिला देते हैं तो एक रंग बन जाता है श्वेत, दैट्स व्हाइट। वो किसका प्रतीक है? निर्मलता, शांति, पीस, हार्मनी। संगीत में वही शक्ति समावेश करती है, वही शक्ति उस संगीत के अंदर है। एक थीसिस लिखी गई जिसके अंदर एक साइंटिस्ट ने स्टडीज करी और उसमें उन्होंने कहा कि बिना पेड़ को काटे कैसे मारा जाए, तो सब लोग उसके पास जाएं, उसे अपशब्द बोलें, तो वो पेड़ जो होता है बिना कटे ही मर जाता है, गिर जाता है। और इसी प्रकार अगर किसी पौधे को अच्छे से विकसित करा जाए, उसके फल फूल अच्छा तंदुरुस्त करा जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं? संगीत, म्यूजिक। म्यूजिक हैज दैट पावर। हम सब मानव हैं। सत्य दर्शन ट्रस्ट का जो विजन है वही सत्य दर्शन संगीत कला केंद्र का मिशन है। आद संस्कृति, द प्योर पायस फॉर्म ऑफ म्यूजिक। हम मानव हैं, उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। तो जो एक मुहिम शुरू हुआ है उस मानव धर्म के प्रचार का, जागृति में लाने का, उस सब उस मुहिम में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। क्या आप सब उसमें भाग लेंगे, हमें अपना सहयोग देंगे? देखिए, ऐसे नहीं पता चलेगा, अगर आप तालियां बजा देंगे तो मुझे समझ आ जाएगी। संगीत
परमेश्वर की आराधना है जो आपको उस परमपिता परमात्मा से मिला देती है। आज यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस हुई उससे एक बात तो समझ में आ गई, केवल भी नहीं कहूंगी मैं ब्लेस्ड चिल्ड्रन कहूंगी, उन ब्लेस्ड बच्चों ने वो रंग देखे और हमें दिखाए। आपने देखा कि यहाँ जब वो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे स्टेज और आपकी जो सीट्स हैं दो तीन कदम के फासले पर, वहां से यहां आना बहुत साल लग जाते हैं, बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। वहां बैठकर किसी को जज करना बहुत आसान हो जाता है, बट यहां आकर परफॉर्मेंस देना एक अलग बात है। तो हम जो संगीत कला केंद्र चंडीगढ़ जो ये कार्य कर रहा है उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है हर बच्चे को, हर उस टैलेंटेड बच्चे को, जिससे कि उसकी कला और निखरे। और हम संगीत के माध्यम से मानवता का परचम लहराने जा रहे हैं। तो संगीत में वो शक्ति है कि जिनकी कृपा से पिंगला पर्वत पर चढ़ जाए, अंधा देखे मूक भी मीठी वाणी गाए। तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी और इस संपूर्ण विश्व को एक बेहतरीन जगह, एक सुख शांतिमय जगह, एक ब्रह्ममय ये संसार है तो इसे संगीतमय भी बना दे। और उस संगीत को जो कुदरत के कण कण में व्याप्त है उसको सुने, एहसास करें। इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस, म्यूजिक इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। तो उसको हम समझें और मानवता धर्म की राह जो सत्यदेव दर्शन ट्रस्ट हमें दिखा रहा है, सत्यदेव दर्शन संगीत कला केंद्र जिसे अपना रहा है और आगे अपनाने के लिए और सजनों को प्रेरित कर रहा है, क्यों ना उस मुहिम में शामिल होकर मानवता का परचम बुलंदियों पर फिर दोबारा से लहरा दें। जय सीताराम। थैंक यू अनंत सज्जन जी, संगीत की महत्ता को इतने सारगर्भित शब्दों में हम तक पहुंचाने के लिए। जैसा आपने कहा, मानव जीवन की हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, सांसों का आना जाना, ये सब में संगीतात्मकता ही तो है जो जीवन का पर्याय है। अब मैं एक और औपचारिकता के लिए मंच का कार्य संचालन जया जी को देती हूँ। जय सियाराम जी, अब टाइम है कि सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की इतने कड़ी मेहनत करवाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी ऑनर करना बनता है, उनके लिए जोरदार तालियां तो बनती ही रहती है। सबसे पहले नीता मैम है, तुम्हारी सीनियर मोस्ट, हमारे यहाँ के वॉलेंटियर भी हैं, टीचर भी हैं, विद 37 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है स्मिता मैम, स्मिता बहुत बड़ा मैम। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी शी सो डाउन टू अर्थ, शी एज ए वॉलेंटियर शी वर्क्स एंड शी सो हार्ड वर्किंग। इसके बाद वंदना मैम है, शी सो डेडिकेटेड एज ए टीचर, एज ए वॉलेंटियर, एज ए मेंबर ऑफ सत्य दर्शन संगीत कला केंद्र। इनकी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है संगीत कला केंद्र के लिए। इसके बाद आशीष सर है, हमारे यहाँ के कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंटल टीचर है। प्रिया मैम और आशीष सर एज ए स्टूडेंट भी इन्होंने वर्क किया है यहाँ पे, एज ए स्टूडेंट सीखा और आगे आज एज ए टीचर परफॉर्म। प्रिया मैम, देन हमारे सुगंधा मैम है एज ए टीचर भी, एज ए और एज ए वॉलेंटियर। सबसे बड़ी बात एक निष्कामता से काम करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए जोरदार तालियां बनती है।
फिर हमारे दीप सर हैं जो भी भांगड़ा की परफॉर्मेंसेस हमारी यहाँ रहती है, इनकी डेडिकेशन के लिए भी एक बार तालियां जोरदार तालियां हमारे दीप सर के लिए सर्टिफिकेशन करा के एज ए वॉलेंटियर एज ए टीचर। देन हमारे यहाँ पे मोना सेठी मैम है, उन्होंने यहाँ से सीखा और अब एज ए टीचर भी यहाँ पे सिखाते हैं एंड शी इज अ वॉलेंटियर ऑल्सो। हमारे बीच में वंदा मैम और स्मिता मैम आज एक दो टीचर्स है, मनीता मैम एंड वंदा शर्मा मैम प्रेजेंट नहीं है। टीचर्स की डांट प्यार दे ऑल आर इंप्लीट, तो जोरदार तालियां एक बार इन सारे इतने प्यारे प्यारे टीचर्स के लिए जिन्होंने हमें इतने प्यार से बड़ा भी किया सिखाया, जोरदार। एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी कि चंडीगढ़ एक ऐसी ब्रांच है सत्यदर्शन संगीत कला केंद्र की जिसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सब ने खुद पहले संगीत सीखा और अभी भी वो सीख रहे हैं। तो ये जब हम कोई कार्य करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द वॉलंटियर्स। थैंक यू अनु सजन जी, आपके मार्गदर्शन और आपकी सहयोग से सारे वॉलंटियर्स के लिए काम करना संभव हो पाता है। सजन जी का आशीर्वाद, रश्मा गांधी जी की प्रेरणा और आपका उत्साहवर्धन निरंतर हमारे साथ रहे, इसी शुभकामना के साथ हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अगली प्रस्तुति से पहले हमारे बीच कुछ गणमान्य अतिथि पधार चुके हैं। डॉक्टर आनंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 से हमारे बीच पधार रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। दिव्यंग सर उनका अभिनंदन करते हुए, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर तो सचमुच में मानवता की बहुत ही ज़्यादा सेवा करता है, जीवन देता है, आपको बहुत सी शुभकामनाएं। श्री खेमचंद, श्री भानुमदान जी और श्री अभिषेक जी केनरा बैंक से हमारे बीच पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही हमारे इस आयोजन को सजाया है अपनी उपस्थिति से श्री संजीव सिंगला जी ने, जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर खुर्द से तशरीफ लाए हैं और साथ ही उनकी अर्धांगिनी भी हमारे बीच पधारी हैं, आप दोनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। श्री और श्रीमती संजीव कुमार सिंगला जी, आज के कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति राजस्थानी लोक जी।
इस चिन्मी नृत्य के माध्यम से आप सबने, और आज के कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक ट्रेडिशनल नवरात्रि डांस गोंधा डांस, जो सौराष्ट्र प्रदेश का डांस माना जाता है और इसकी परंपरा लगभग 300 साल पुरानी है। विशेषकर ऐसा माना जाता है कि डांडिया रास का ही एक विकसित या परिवर्तित और परिवर्धित रूप है। तो लीजिए प्रस्तुत है गोंधा, और ये जो टीम है इस टीम ने फोक डांसेस कंपटीशन कैटेगरी में प्रथम स्थान ग्रहण किया था, और ये स्कूल था सतलुज पब्लिक स्कूल। आपको नाम से पता लग गया होगा कि बहुत सारे पहले सतलुज पब्लिक स्कूल ने जीते। गोंधा से ही एक कैसे परंपराएं बदलती बदलती अपना परिवर्तित रूप ग्रहण कर लेती हैं और किसी और स्टेट का डांस बन जाती हैं। ये गुंथन डांस है, गोंधा और गुंथन। अगर आप यूट्यूब में देखने की कोशिश करेंगे तो गोंधा का ही परिवर्तित रूप जो है वो गुंथन डांस के रूप में, और ये गुंथन डांस है। आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू सो मच। Oh,
जैसा इसके नाम से ही विदित था, गुंथन डांस, नृत्य करते करते कितनी खूबसूरत एक गूंथ दिया उन्होंने विभिन्न रंगों के एक दंग के चारों को, और सब कुछ बहुत खूबसूरत आई देखती। आपको पसंद आई हो तो एक बार फिर से सतीत दर्शन संगीत कला केंद्र चंडीगढ़ के विद्यार्थियों द्वारा अगली प्रस्तुति, जिसमें आत्मस्वरूप का बोध, जब हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है तो हमारी समस्त शंकाएं मिटकर हमें परमानंद का अनुभव होता है। उसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए हमारे विद्यार्थी पायो ही मैंने आत्मस्वरूप पाया।
लीला की स्वरूप जब ध्यान से देखा, लीला की स्वरूप जब ध्यान से देखा तो परमेश्वर नजर आयो। इन खूबसूरत बोलों को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने की सरल दर्शन संगीत कला की छात्राएं और आज के कार्यक्रम की लगभग आखिरी पेशकश भंगड़ा कर, तो वो दिन आने वाला, वो दिन दूर नहीं जो सतयुग दर्शन निरंतर कार्यरत है, आह्वान कर रहा है सतयुग का। उसके लिए हम सब तैयार हो रहे हैं, हम सब निरंतर प्रयत्नशील हैं। उसी दिन का आह्वान करते हुए, उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार। जी के मुख के शब्द एक बार पुनः हम सब मिलकर इस सत्यों के स्वागत में शामिल होते हैं। सत्यों के हैं हम बच्चे, नहीं किसी कम, जो भी चाहे कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं हम, नहीं किसी से कम। तो अब हम सब मिलकर एक आवाज में पूरी एनर्जी के साथ तो सतयुग की लहर में ज्वाइन हो जाना है, हम सब ने ज्वाइन हो जाना है, बिकॉज वी ऑल आर आप सब आज अपने घर में जाकर ये प्रण कीजिए, ये सोचिए, अपने आप से वादा कीजिए कि जो सतयुग आने वाला, एक इंडिविजुअल के रूप में व्यक्तिगत रूप से आप क्या योगदान दे पाएंगे,
क्या योगदान दे सकते हैं, तो बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जब हम सब अपने व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप में जब हम छोटी सी भी कोशिश करेंगे तो सचमुच वो एक महासमुद्र बन जाएगा, महासागर बन जाएगा और सत्युग तो अपने आप ही आ जाएगा। श्री सजन जी हमारे विशेष मेहमान को दे देंगे। और अब वो महत्वपूर्ण पल जिसके लिए हम सचमुच बहुत बेचैन हैं, श्री सजन जी के आशीर्वचन। तो ये सेवा है समाज के, क्योंकि संगीत कला केंद्र द्वारा समाज को मानवता का पाठ पढ़ाने की क्रिया विधिवत चल रही है। तो ये सब हम आप पूरे समाज के लिए अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के प्रति मिलजुल कर करने वाला काम है। इस प्रयास द्वारा आप व्यक्तिगत रूप से भी जीवन शांति से व्यतीत कर सकते हो और पारिवारिक रूप से भी शांति से व्यतीत करने में सक्षम बन सकते हो। दिखाया तो इसका सीधा सब प्रभाव पूरे समाज, चाहे वो कहीं से भी जुड़ा हो। तो इस बात का सत्य आप भी मानोगे कि तो जो भी सत्संग से जुड़े हुए हैं इतने समय के पश्चात जो उनके व्यक्तिगत भाव स्वभाव का परिचय मानवता धर्म अनुरूप मिलना चाहिए था, अभी उस वास्तविक स्वभाव से बहुत दूर है। कि जो युग परिवर्तन का खेल चल रहा है, अब सत्युग आने वाला है, तो हमारे लिए वर्तमान में कि जो हमारा भविष्य सत्युग आने वाला है, वो हम उस संस्कृति को जानने पहचानने और व्यवहारिक रूप में यथा कदापि न करें। तो अगर जीवन हारना चाहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकना चाहते हैं, तो अपनी किस्मत खुद बिगाड़ने की बात होगी, क्योंकि आपके पास पूरे संसार के पास अब सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ ऐसी ताकत है कि वह उसकी विचारधारा अपनाने वाला जब स्त्री को आपको मानसिक रूप से उस बदलाव को स्वीकारने हेतु घर से ही तैयार होकर आना,
क्योंकि दिन जो बच्चे आपके गर्भ से पैदा हुए, आप माता बने, पिता बने, वह बच्चे आने वाले समय में दुख में प्राप्त हों, वह बच्चे आने वाले समय में दुख को प्राप्त हों, क्या आपको अच्छा लगेगा? उस वक्त में आप अपना दुर्मति पालना में जो दुर्मति दिखाई उसको समझने का प्रयास नहीं करोगे, कोसोगे के परमात्मा तुमने क्या कर दिया, जबकि ये सत्य कुल ब्रह्मांड को पता है कि परमात्मा कभी भी कुछ नहीं करते। जो भी ये दुष्परिणाम या सत्परिणाम प्राप्त करते हैं जीवन में, ये अपनी विचारधारा अनुसार, मन मत अनुसार, कर्म गति प्राप्त होने के प्रतीक होते हैं। तो जैसा कर्म तो वैसा हो, कर्म करते वक्त सोचते नहीं, भोगने के वक्त तड़पते हैं, भागते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, हर जगह भटकते हैं, तो अपने लिए दुख कलेश खुद खरीदने वाला व्यक्ति चाहे भौतिक तौर पर कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो समझदारी का प्रति कभी नहीं कह रहा सकता। हमें सृष्टि का सत्य समझते हुए जानना है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण में परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति का संगठन कार्य करता है। जीवात्मा में, आत्मा में परमात्मा बहुत शामिल रहते हैं, पर हम प्रयास नहीं करते वहां तक, अपने ख्याल की पहुंच नहीं बनाते, अपने ख्याल को जगत जंजाल में उलझा देते हैं। तो जो हृदय प्रकाशित परमात्मा, आत्मा में परमात्मा शोभित होता है, उसका साक्षात्कार ना होना भौतिक तौर पर अंधकार में भटकने की बात होती है। जीवन का सदमार्ग, जीवन का विचार युक्त रास्ता, उसके प्रति हम बिल्कुल अपरिचित होते हैं, और इसी कारण जो जो कहता है बस उसी के पीछे चलने लग जाते हैं भेड़ों की तरह। और वैसे ही बच्चों की पालना में वही अज्ञान उनके मन मस्तिष्क में भरकर उनका भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ये अनुचित है, ये सरासर अनुचित है। आपको अपनी सोच में तुरंत बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो वो बदलाव
कैसे लाया जा सकता है, वो बदलाव क्यों कर लाना आवश्यक है, यह सब बातें आध्यात्मिक क्रांति के प्रोग्राम में जनाई जाएगी। पर यहां एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि ये बदलाव अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रति केवल और केवल एकमात्र आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही लाया जा सकता है जी। आत्मसंतुष्टि न शब परम जाओ, उनका चिंतन मनन करो, धारण करो, व्यवहार में लाओ और हस्तक्षेप के जीवन व्यतीत करो। जब वो व्यवहार में लाते हैं तो क्या होता है, सारे विकृत भाव गए, केवल एक भाव मन में स्थापित हो जाता है और वो है ब्रह्म भाव। और ब्रह्म भाव के स्थापित होते ही आपका नजरिया संभाव अनुकूल हो जाता है और व्यवहार में मन वचन कर्म द्वारा संतुष्टि चलती है। तो यही एक निष्काम रास्ता है, यही एक मानवता धर्म अनुसार मुकम्मल निष्कंटक रास्ता है। तो हम तो फिर प्रार्थना करेंगे सबके सुख के लिए कि अपने जीवन के रास्ते को निष्कंटक बनाने के लिए हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ और उस शुभ कार्य के लिए समय निकालो ही निकालो। तो इससे लाभ क्या होगा, जो मानव चोले में वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करना होता है मोक्ष, वह प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। तो अगर ऐसा ना किया तो चेतावनी 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा और उसका हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ। तो अपने आप को इस दुखमय अवस्था से बचा लो, बचा लो, बचा लो, यही समय है। और अपने अंतर्गत को आत्मज्ञान प्राप्त कर सद्योग बना लो। अंतर्गत बनेगा, परिवार सद्योग बनेगा, समाज सद्योग बनेगा, तो विश्व स्तर पर शांति और एकता स्थापित हो जाएगी। अमूल्य मन बनो, अपने सज्जन बनो, अपने परिवार के सज्जन बनो, पूरे संसार के सज्जन बनो और उनके सामने एक मिसाल रख दो, ऐसी हिम्मत दिखाकर, ताकि वे भी को प्रोत्साहित हो। तो ये सज्जनता का प्रतीक बनने की बात है, परोपकार प्रवृत्ति में ढलने की बात है। तो सत्य का मार्ग पर चलकर
परोपकार प्रगति में ढल जाओ। सभी को जय से आराम दे। स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो सत्यम दर्शन संगीत कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा आयोजित किया था, उसके रिजल्ट्स मेरे पास हैं। सोलो क्लासिकल वोकल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 कुलदीप बेहरा गॉट द फर्स्ट प्राइज। सतलुज पब्लिक स्कूल लिखित ए विश्वकर्मा सेकंड प्राइज, और सेकंड बेटेटेड प्राइज था कामल कॉन्वेंट स्कूल का जिया शर्मा, और थर्ड प्राइज वॉज वन बाय मोतीराम आर्य स्कूल सेक्टर 27 चंडीगढ़। कॉन्सोलेशन प्राइज शिशु निकेतन स्कूल की मंजोत ने जीता था, और पुनः कॉन्सोलेशन भी ब्रैकेटेड था गवर्नमेंट मॉडल स्कूल चंडीगढ़। सोलो क्लासिकल डांस में कामल कॉन्वेंट स्कूल द्रव्या कुंज ने फर्स्ट प्राइज, लर्निंग पास स्कूल गोरल ने सेकंड प्राइज, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 16 चंडीगढ़ भूमिका ने थर्ड प्राइज, और कॉन्सोलेशन प्राइज गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खुड्डा जस्सो शानवी। नेक्स्ट कैटेगरी वॉज डिवोशनल ग्रुप सिंगिंग इन विच सतलुज पब्लिक स्कूल बैग द फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज वॉज बैग बाय इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़। आई रिक्वेस्ट सतलुज पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स टू प्लीज स्टे ऑन द स्टेज एज दे बी अवॉर्डेड द रनिंग ट्रॉफी ऑल्सो। आई थिंक शिशु निकेतन स्कूल गॉट द थर्ड प्राइज एंड कॉन्सोलेशन प्राइज वॉज वन बाय मोतीराम आर्य स्कूल सेक्टर 27 चंडीगढ़। डिवोशनल ग्रुप डांस में सतलुज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पहला स्थान ग्रहण किया, और मोतीराम आर्य स्कूल सेक्टर 27 में सेकंड प्राइज। फोक ग्रुप डांस कैटेगरी में सतलुज पब्लिक स्कूल अगेन गॉट द फर्स्ट प्राइज, मोतीराम आर्य स्कूल सेक्टर 27 चंडीगढ़ ने सेकंड प्राइज, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खुड्डा जसो ने थर्ड प्राइज, और कॉन्सोलेशन प्राइज वॉज वन बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़। इसके अलावा संगीत और डांस के अलावा म्यूजिक और डांस के अलावा रंगोली एंड पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन भी थे। रंगोली में फर्स्ट प्राइज वॉज वन बाय गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर 52 चंडीगढ़, सेकेंड प्राइज वॉज बैक बाय मोतीराम आर्य स्कूल सेक्टर 27 चंडीगढ़। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ फोर। And the third prize was backed by Kamal Convent School. Consolation prize was backed by Sadhu Public School. And special category prize was awarded to the students of Vatika School, Chandigarh. In post-making, Learning Path School, Suman Chuk backed the first prize. Second prize was won by Shivasi of Kamal Convent School. Second, again bracketed, was won by Learning Path School, Guneet. The third prize was again backed by two teams, Mothiram Higher School, Sector 27, Chandigarh, Manya Bhatt, and Sadhguru Public School, Paras Kota. And the consolation prize was won by St. Xavier School, Mannat Rathi. Heartiest congratulations to all the prize winners and of course all the participants. The running trophy was backed by Sathmuch Public School and they are Panchkula, and they have backed the prize consecutively for the second year. If they win the prize for the third year also, the trophy is going to be theirs. मोतीराम स्कूल के बच्चे प्लीज फोटो के लिए जल्दी से सर के पास चले जाएं, उनके सर मेरे पास आए हैं, दे वांट टू बी फोटोग्राफ। मोतीराम स्कूल के बच्चे प्लीज इफ दे वांट टू बी क्लिक वो कृपया आगे चले जाएं अपने सर के साथ।
और वास्तव में जो भी विद्यार्थी परफॉर्म करता है, जो भी विद्यार्थी तैयारी करता है, कंपटीशन तो एक बहाना है। सीखता तो वो हर विद्यार्थी है जिसने तैयारी की है कंपटीशन की, भले ही उसने प्राइज जीता है या नहीं। जो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के जो बच्चे हैं, कृपया वो आकर के प्राइज अपना ले लें, अपना प्राइज ग्रहण कर लें। वो विद्यार्थी मंच पर आकर अपना प्राइज ले लें सब विद्यार्थी। आज के कार्यक्रम का यहीं पर समापन, लेकिन आप लोग कृपया हमें अपने 5 मिनट और दीजिए। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जितने भी मेहमान हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स के योगदान के बिना इस प्रकार का आयोजन करना संभव नहीं हो पाता। सभी स्पॉन्सर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन सभी का जिन्होंने अपना अपूर्ण योगदान दिया। कुछ बच्चे मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड वाले चले गए हैं, कुछ हैं यहाँ पर, जो भी हैं वो अपनी फोटो एक चीज क्लिक करवा लें सचिन जी के साथ और दीपेंद्र दान सर के साथ। वालों ने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी कैप्स और पेन और पेपर पैड भेजे हैं। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो काउंटर से अपने कलेक्ट कर लें। जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो कैप्स और पेन और पेपर जो भी गिफ्ट अल्ट्राटेक वालों ने हमें दिए हैं वो कृपया काउंटर से ग्रहण कर लें। हम बहुत आभारी, जैसा मैंने कहा, अपने स्पॉन्सर्स के। मैं यही कहूंगी कि बहुत सी व्यस्तताओं के बावजूद जो भी हमारे मेहमान यहाँ पधारे, आप सबने आकर हमारा सम्मान बढ़ाया, हम सच में बहुत आभारी हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। विशेषकर अपने स्पॉन्सर्स का और अपने मीडिया पर्सन का, क्योंकि जो भी प्रस्तुति होती है आज के युग में मीडिया का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, उनका योगदान अभूतपूर्व होता है, तो सचमुच उनका तहे दिल से शुक्रिया सभी मीडिया कर्मियों का। सारे मेंबर्स जितने भी मीडिया के यहाँ पर आए हुए हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया, हमें गौरवान्वित किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी ओर से योगदान दिया है। अब मैं एक धन्यवाद तो तहे दिल से आप सभी का, लेकिन अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीपेंद्र कांत सर, प्रिंसिपल सत्युग दर्शन संगीत कला केंद्र। जितनी भी शाखाएं हैं संगीत की, संगीत कला केंद्रों की, उनका ये बहुत ही खूबसूरती से, बहुत जोर से अपना योगदान दे रहे हैं और इनकी एनर्जी और इनके काम को देखकर तो सचमुच हम इनके आगे तत्मस्तक होते हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारे छोटे भाई की तरह हैं। औपचारिकता निभाने के लिए उन्हें आमंत्रित करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। और सभी को शुभ संध्या। परम आदरणीय श्री सज्जन जी,
मार्गदर्शक सत्युग दर्शन ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रस्टी मैम, चेयरपर्सन सत्युग दर्शन संगीत कला केंद्र एंड सत्युग दर्शन विद्यालय, भिन्न-भिन्न स्कूलों से पढ़ाए हुए प्राचार्य, अपगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या, जय सीताराम जी। मैं आभारी हूँ अरे मैनेजमेंट का, श्री सजन जी का, मैनेजिंग ट्रस्टी मैम का, अनु दीदी चेयरपर्सन मैम का, और आप सभी के जो प्राचार्य हैं, अभिभावक हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही कहना चाहूंगा कि एक अपील मैं इस पोडियम से करना चाहूंगा, जैसा कि अभी परम आदरणीय श्री सर जी ने बताया कि आप भौतिक शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का शायद ही कोई स्रोत आपके पास है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक मार्गदर्शन करना चाहूंगा कि हमारे सत्युग दर्शन वसुंधरा में आध्यात्मिक स्कूल खोला गया है जिसका नाम है ध्यान कक्ष। वहां से भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ कैसे जुड़ा जाए, तो क्या आपको वसुंधरा जाना पड़ेगा प्रत्येक रविवार? ऐसा नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड हमारे पास हैं। यदि आप सच में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार वहां से आध्यात्मिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन चैनल है हमारा ध्यान कक्ष, उस पर 12 बजे से 2 बजे तक वहां पर आध्यात्मिक शिक्षा चलती है। मेरा निवेदन है आप सभी से, यदि सच में हम एक सुनहरे युग की कल्पना कर रहे हैं, सुनहरे युग को बुलाना चाहते हैं, तो इस युग में, कलयुग में सुनहरे युग की जो कल्पना की है वो की है सत्युग दर्शन ट्रस्ट ने। एक बार सत्युग दर्शन ट्रस्ट के लिए जोरदार ताली, क्योंकि हम जिस युग में अभी चल रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग, और सत्युग को यदि हमें लाना है तो अपने भाव स्वभाव में परिवर्तन चाहिए, और उस परिवर्तन में आप सभी ध्यान कक्ष के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने मेहमान, जितने अतिथि, मीडिया कर्मी, ऑडियो वीडियो या जिस प्रकार से भी आपका इस कार्यक्रम में योगदान रहा, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इस कार्यक्रम को यूं ही निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, और मैं हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी मैम का, परम आदरणीय सैजल जी का, दीदी का हृदय से शुक्रिया करूंगा कि आपका दिशा निर्देशन मिलता रहे और हम यूं ही कला केंद्र को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। और कार्यक्रम का समापन यहीं पर आप सभी को शुभ रात्रि कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। यहीं से ले चलते हैं, ये शॉर्टकट है। शुभ रात्रि। अलविदा। थैंक यू। आप लाइव ऑफ करा दीजिए। Gracias.